जादुई दो केक का जादू। रिधिमा एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। रिधिमा के पिता किसान थे। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। बावजूद इसके रिधिमा के माता पिता ने रिधिमा की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में सृष्टि नाम की एक लड़की रहती थी। सृष्टि गांव के सेठ धनीराम की बेटी थी। सृष्टि और रिधिमा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। रिधिमा जब अपनी दोस्त सृष्टि के पास अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे मेकअप देखती तो घर आकर वो भी इन सब चीजों के डिमांड अपने पिता से किया करती थी। पापा, आज सृष्टि के पापा उसके लिए बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, आप भी मुझे एक गाउन दिला दो ना। बस इतने से बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। सच पापा, आप बहुत ही अच्छे हो पापा। मैं अभी अपने गाउन के बारे में सृष्टि को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर रिधिमा बाहर चली जाती है। तभी रिधिमा की माँ अनीता बोलती है, आपने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे सृष्टि तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसके बराबरी नहीं कर सकते। हमें लगता है ये बात अब हमारी रिधिमा बेटी को भी समझनी होगी, वरना उसकी ख्वाहिशें तो दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अरे भाग्यवान, फिकर मत करो, रिधिमा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। अभी से हम अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अजय सुनती हो, वो जो मैंने कल 500 रुपए दिया था ना, देना जरा, मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करने ज्यादा जरूरी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब दो मुझे, देर हो रही है। उसके पिता शाम को एक बहुत ही प्यारा सा गाउन लेकर रिधिमा को दे देते हैं। रिधिमा गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर सृष्टि के पास जाती है। सृष्टि देख, मैं कैसी लग रही हूँ, ये गाउन मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है, बट मेरे गाउन से ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरा गाउन तो सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 10,000 का। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, ये देख मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। वाओ सृष्टि, ये तो बहुत ही सुंदर है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं नहीं, मैं इसे तुम्हें चलाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुझे चलानी है तो तू भी अपने पापा से बोलकर साइकिल ले ले। इतना बोलकर सृष्टि साइकिल चलाने लगती है। रिधिमा दूर से सृष्टि को देखने लगती है। घर आकर रिधिमा उदास मन से बैठी थी, तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा, पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला दोगे? लो और मानते जाओ उसकी बात, अब घर बेचकर इसे साइकिल दिलाओ। अरे अनीता, शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से शांत ही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। और तो सुन रिधिमा, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अरे वो बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है, उसको देखकर उसके बराबरी करना बंद कर दे, तुझे दिखाई नहीं देता हम कितनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं, तब जाके रात को हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है रिधिमा बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसे में खुश रहा करो। रिधिमा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से सृष्टि को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। रिधिमा सृष्टि से कुछ ही दिन की छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता था। सृष्टि के माता पिता ने उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी सृष्टि के बर्थडे का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया था। रिधिमा जब उसके घर गई, तब उसने देखा कि सृष्टि के घर उसके टेबल पर एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट का केक रखा हुआ है। वो एक टक उस केक को निहारती रही। क्या हुआ, तू इतने हैरानी से केक को क्यों देखे जा रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, केक बहुत ही बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है, वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी,
केक कट होने के बाद ये सारा केक मैं अकेले ही खाऊंगी। चल तुझे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दूंगी, आखिर तूने इतना महंगा और इतना बड़ा केक कभी खाया भी तो नहीं होगा। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद रिधिमा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ दो दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ देखो, अब मना मत करना, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से किसी भी चीज की कोई जिद नहीं की, तो इस बार आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। बेटी घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे नहीं बात करूंगी कभी। इतना बोलकर रिधिमा घर के बाहर एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी उधर से रिमझिम परी गुजर रही होती है। रिमझिम परी रिधिमा को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी दोस्त सृष्टि के जन्मदिन पर उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक दिलाया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक भी नहीं दिला पा रही है। वो बोल रही है कि हलवे के केक को काट कर अपना जन्मदिन मना लूं। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है, ऊपर से ये देखकर सभी लोग मेरा मजाक और उड़ाएंगे। तो ये समस्या है, अच्छा रोना बंद करो, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना, ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट केक है, तुम ये केक अपने साथ अपने घर ले जाओ, ये केक कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इस केक को तुम अकेले मत खाना, इसे मिल बांट कर खाना, ये केक खाकर सब तुम्हें दुआ देंगे और वो सच हो जाएगा। और हाँ याद रखना, ये केक सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकती हो, अगर तुमने गलती से भी इस केक को किसी और दिन काटा तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देंगे और वो बद्दुआ भी सच हो जाएगा। ये सुनकर रिधिमा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो केक अपने घर ले आई। केक को देखकर उसकी माँ बोली, अरे रिधिमा तुम्हें इतना सुंदर केक कहाँ से लेकर आ रही हो, किसने दिया तुम्हें, कहीं चोरी तो नहीं की हो, सच बताओ रिधिमा। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, एक सुंदर परी ने मुझे ये जादुई केक दिया है, इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वह सच हो जाएगी माँ। रिधिमा ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी जादुई केक काटी और केक काट कर सबसे पहले अपनी माँ को खाने को दी। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी और जल्द ही तुम्हें एक बहुत ही सुंदर साइकिल भी मिल जाए। उसकी माँ के इतना कहते ही वहाँ पर चमचमाती हुई एक साइकिल प्रकट हो जाती है। ये देखकर रिधिमा खुशी से झूम उठती है, वो साइकिल लेकर सृष्टि के पास जाती है। सृष्टि चलो साइकिल का रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे रिधिमा तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही अच्छी है, आखिर इतनी अच्छी और महंगी साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई, तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब है ना। अरे सृष्टि ये सब तो उस जादुई केक की वजह से मिला है, अच्छा होता उस दिन तुम भी मेरे जन्मदिन में आती तो सब अपनी आँखों से देख लेती। जन्मदिन, जादुई केक, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू मेरे पास एक जादुई केक है, उस केक को खाकर लोग जो भी दुआएं देंगे वो सच हो जाता है। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी और मुझे ये साइकिल मिल गई, देखो। ये सुनकर सृष्टि दंग रह गई और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ लालची औरत थी और उसके पिता एक भ्रष्ट गांव के सेठ थे। जादुई केक की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर केक चुराने के लिए कहा। गुंडों ने रात को रिधिमा के घर चोरी करके वो जादुई केक ले जाकर सृष्टि की माँ को सौंप दिया। अजी अब मैं जल्दी से इस केक को काटती हूँ, केक खाकर आप मुझे दुआएं दीजिएगा कि मैं जल्दी से शहर के सबसे अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपका बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो। सृष्टि के परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उस जादुई केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटने से दुआ सच होती है, बाकी के दिन तो दुआ बोलने का सब उल्टा मिलता है। तभी केक काट कर सृष्टि की माँ अपने पति को खिलाती है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति की खूब तरक्की हो,
और वो खूब नाम कमाए। उसके इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे सब बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला किया वो सब पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक गया और वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। उसके पास अब ना तो कोई काम था ना ही पैसे। सृष्टि के पापा को मजबूरन अब खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन सृष्टि अपने परिवार के साथ रिधिमा के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है। हमें माफ कर दो रिधिमा, मेरी माँ ने अपने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। सृष्टि, तुम लोगों ने मेरे जादुई केक को चुरा कर बहुत ही गलत किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि उस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काटना होता है। दूसरे दिन काटने से दुआ का उल्टा बददुआ मिलता है। अब तुम्हें ये पूरा साल गरीबों में ही बिताना पड़ेगा। अब मैं अगले साल ही जन्मदिन पर केक से बोलकर तुम्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। तब तक तुम्हें गरीबों में ही गुजारना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चुराई हुई चीज से कभी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।